हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे वीज़ एंड आईज की PT 365, जो कि हमारी इन्वायरमेंट की है। तो काफ़ी टॉपिक हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। आज हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करने वाले, तो यहाँ पे अभी हम लोग पॉल्यूशन के साथ स्टार्ट करेंगे। पॉल्यूशन में सबसे पहले एयर पॉल्यूशन देखेंगे, जितनी भी टॉपिक है उसको कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे। लास्ट हमने यहाँ पे ग्रीन एजी प्रोजेक्ट के बारे में देखा था, तो आपको ये कमेंट बॉक्स में आंसर बतानी है कि ग्रीन एजी प्रोजेक्ट ये है क्या, किस चीज़ से रिलेटेड है, किस फील्ड से रिलेटेड है और मेन इसका एम क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं एयर पॉल्यूशन के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एयर पॉल्यूशन के साथ, और उसमें भी सबसे पहली टॉपिक हमारी है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। हर एक साल ये टॉपिक के बारे में हम लोग बात करते हैं, जो कि है स्टबल बर्निंग। स्टबल बर्निंग कहने का मतलब है कि जैसे कोई क्रॉप हार्वेस्ट होती है, तो हार्वेस्ट होने के बाद जब उसके बाई प्रोडक्ट या फिर जो बच जाते हैं वो खेत में ही रह जाते हैं, फील्ड में ही, ओपन फील्ड में रह जाते हैं। और किसान क्या करते हैं कि उसे ओपन फील्ड में ही उसको जला देते हैं, जिससे कि जो भी कचरा वगैरह है और जो भी बाई प्रोडक्ट है उस क्रॉप का, तो वो सारी चीज़ें जल जाए। और कुछ बाई प्रोडक्ट होते जिसके रेसिड्यू बन जाते, जो क्रॉप होते जिसके रेसिड्यू बच जाते, जैसे कि आप देख सकते हो कि पैडी है, वीट है, तो ये सब की क्रॉप के रेसिड्यू बच जाते हैं। तो उसको ओपन में जलाने से क्या होता है ना कि फील्ड जो है फिर से तैयार हो जाता है नेक्स्ट क्रॉप के लिए, और बहुत आसानी से वो कचरे हट भी जाते हैं। तो ये सबसे ईजी तरीका लगता है किसानों को कि यही काम करके ये हटा देना है, लेकिन ये ईजी उनको लगता है, लेकिन उससे जो यहाँ पे हार्मफुल गैसेस, ग्रीन हाउस गैसेस जो इमीट हो रहे हैं, उससे हमारे इन्वायरमेंट को और वापस से हमारे ह्यूमन हेल्थ को काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट भी होता है। तो यही चीज़ें न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि अभी इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन अथॉरिटी के द्वारा एक रिपोर्ट सबमिट किया गया है सुप्रीम कोर्ट को, वो भी इस स्टबल बर्निंग को लेकर। तो समझ गए कि स्टबल बर्निंग है क्या। ये वन ऑफ द चीफ कॉजेज़ है। आप देखते हो कि दिल्ली और उसके सराउंडिंग्स वाले जितने भी एरिया हैं उसमें एयर पॉल्यूशन काफ़ी ज़्यादा, इसकी लेवल बढ़ जाती है, वो भी विंटर के टाइम में, क्योंकि हार्वेस्टिंग का टाइम ही होता है अक्टूबर नवंबर में। तो उसके बाद जब ये लोग स्टबल बर्निंग करते हैं, तो वो नवंबर दिसंबर का जो महीना होता है, स्पेशली नवंबर, अक्टूबर नवंबर, उस समय क्या होता है कि बहुत ज़्यादा एयर पॉल्यूशन बढ़ जाता है। तो स्टबल बर्निंग का रीज़न क्या है, क्यों किसान जो है उनको लगता है कि ये आसान है और वो इसी प्रैक्टिस को अपनाते हैं, ना कि कुछ और प्रैक्टिस को। सबसे पहली यहाँ पे रीज़न है मेकनाइजेशन, जो कि आज भी आप देखोगे कि यहाँ पे इस्तेमाल नहीं किया जाता है, यानी कि मेकनाइजेशन जो है उसका यूज़ नहीं हो रहा, मशीन की यूज़ नहीं हो रही है। तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है फार्मर्स को कि मशीन के बिना जो है वो किस तरीके से ये कचरा हटाए और फिर से जो है नए क्रॉप के लिए ज़मीन को तैयार करें। कुछ कानून है जैसे कि पंजाब प्रिजर्वेशन ऑफ सब सॉइल वाटर एक्ट है, जिसमें कि डिले डेट देखने को मिलता है पैडी ट्रांसप्लांटेशन का। जब पैडी क्रॉप को हार्वेस्ट कर दिया जाता है, कटाई हो जाती है, तो उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में ये काफ़ी ज़्यादा डिले हो जाता है। साथ ही क्रॉप इंटेंसिफिकेशन, जो लीव्स फार्मर है वो स्मॉल विंडोज़ के साथ उनको छोड़ दिया जाता है। इट मींस कि देखिए, क्रॉप इंटेंसिफिकेशन है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो क्रॉप को उगाना है, जिसके कारण जो छोटे किसान होते हैं या फिर कोई बड़े किसान, पंजाब में आप देखते हो कि वो लोग तो बड़े बड़े किसान होते हैं, तो कोई भी जगह के जो किसान होते हैं ना, वो यहाँ पे फील्ड को क्लियर करने के लिए काफ़ी ज़्यादा, एक होता ना कि फोर्सफुली वो ऐसे क्लियर करते हैं, यानी कि स्टबल बर्निंग उनको शौक नहीं है, एक तरीके का उनके पास और कोई अल्टरनेटिव, बेस्ट अल्टरनेटिव प्रेजेंट नहीं है, दैट्स व्हाई वो ये इस प्रैक्टिस को अपनाते हैं। क्या क्या मेजर्स लेना चाहिए जिससे कि हम लोग स्टबल बर्निंग को कंट्रोल कर सकते हैं, तो बहुत अच्छी बातें यहाँ पे बताई गई है। सबसे पहले है कि इन सीतू मेज़र की जहाँ पे आप हो उसी के अंदर यहाँ पे कुछ मेज़र्स लेना चाहिए। जैसे कि एक मशीन आता है हैप्पी सीडर मशीन, ये एक तरीके की व्हीकल होती है, गाड़ियाँ होती है, उसमें क्या होता है कि सारे कचरे जो है ना वो एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, और जितने भी क्रॉप जो कटाई होती है उसकी जो भी बाई प्रोडक्ट या रेसिड्यू बच जाती है, तो उसको ये जो है इकट्ठे करके ले जाते हैं। कस्टम हायरिंग सेंटर्स टू मेक द इक्विपमेंट अवेलेबल टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, यानी कि जो छोटे और मंझोले जो फार्मर्स होते हैं उनको यहाँ पे ये सारे इक्विपमेंट अवेलेबल कराने की ज़रूरत है, और वो भी रिजनेबल रेंट में। समटाइम्स फार्मर्स जो है, देखिए यहाँ पे हमारे यहाँ मशीन्स है, हैप्पी सीडर्स है, बट किसान उसको खरीद नहीं पाते। क्यों नहीं खरीद पाते? क्योंकि वो उनके रेट के बाहर है। वैसे ही आप देखते हो कि हमारे जो भारत के किसान हैं वो घाटे में चलते हैं, उनको उस तरीके से जो है मुनाफा नहीं होता, तो फिर उनके पास उस तरीके का पैसे भी नहीं होते हैं, उतना जो है उनके पास क्रेडिट भी नहीं होता है कि वो इस तरीके के मशीनों को खरीद कर जो है वन टाइम सिर्फ फील्ड को क्लीन करने के लिए वो इसको परचेज करें। तो रिजनेबल रेट में यहाँ पे प्रोवाइड करने की बात की जा रही है कि जो कस्टम हायरिंग सेंटर है उनका ये काम है कि जितने स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं हमारे इंडिया में, आप देखोगे कि 80% अगर टोटल फार्मर्स हैं तो उसमें से मोर देन 50% जो है वो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं। तो उनकी बस की बात नहीं होती है कि वो इन सारे इतने महंगे महंगे मशीन्स को खरीदे, गाड़ियों को खरीदे, तो यहाँ पे उनको रिजनेबल रेट में प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। शॉर्ट ड्यूरेशन राइस वेराइटीज़ जो है उसको प्रमोट करने की ज़रूरत है कि इतने लंबे लंबे ड्यूरेशन की ना हो। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन है, इसको भी प्रमोट करने की ज़रूरत है कि जो फार्मर्स है वो और भी ज़्यादा क्रॉप के ऊपर ध्यान दें, ऐसा नहीं कि सिर्फ पैडी, वीट, यही सारी चीज़ों पर ध्यान दें।
एक्सीटू मेजर्स के बारे में भी कहा जा रहा है। एक्सीटू मतलब कि जहाँ पे आपका क्रॉप है उगाया जा रहा है उससे बाहर जाकर। तो यहाँ पे जो स्टबल है उसको डिफरेंट वेज में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जो घास फूस है, घास फूस तो नहीं कह सकते उसे, चारा ज़रूर कह सकते हैं, ये कैटल को फीड करने के लिए या फिर मैन्योर को कंपोस्ट करने के लिए, या फिर रूलिंग एरिया में आप देखोगे जो ग्रामीण वाले क्षेत्र है उसमें घर जब वो बनाते हैं तो वो छत जो है ना पुआल की छत बनाते हैं तो उसमें काइंड ऑफ यूज़ कर सकते हैं, बायोमास एनर्जी में यूज़ कर सकते हैं या फिर किसी चीज़ को पैकिंग मटेरियल में यूज़ कर सकते हैं। तो एक तो है इन सीटू के अंदर ही अंदर अगर उसको ख़त्म करना है तो उसके लिए हैप्पी सीटम मशीन्स होनी चाहिए। अगर एक्स सीटू देखे यानी कि उस एरिया में जहाँ पर भी आपका ये रेसिड्यू है उसको और कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, तो स्टबल बर्निंग को ना करके यहाँ पे जो क्रॉप रेसिड्यू है उसको डिफरेंट डिफरेंट जगह भी यूज़ कर सकते हैं, कैटल फील्ड में, मैन्योर खाद बनाने में, या फिर घरों को छत बनाने में, रूफिंग करने में, बायोमास एनर्जी में। तो ये सब डिफरेंट वेज है जहाँ पे इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन फिर भी आप देखो कि कुछ पॉलिसीज़ हैं जो कि यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है कि स्टबल बर्निंग को एड्रेस कर रही है। तो सबसे पहले हमारे यहाँ एक ट्रिब्यूनल है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जो कि उनके द्वारा कहा गया है कि क्रॉप रेसिड्यू को जो बर्न किया जाता है ओपन में इसको बैन कर देना है। और कुछ राज्यों में ये कम्प्लीटली बैन है, जैसे राजस्थान, यूपी, हरियाणा और पंजाब। तो ये चार ऐसे राज्य हैं जिसमें कि NGT के द्वारा कहा गया है कि इसको बैन कर देना है। NGT क्या है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है। इनको इनका जो ये स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के तहत इसको बनाया गया है, ये क्या करते हैं ना, इन्वायरमेंट को देखते हैं और इन्वायरमेंट से रिलेटेड जितने प्रोजेक्ट हैं उसके बारे में ये देखते हैं कि हाँ ये इस प्रोजेक्ट को और इस काम करने से हमारे इन्वायरमेंट में कुछ बैड इम्पैक्ट तो नहीं हो रहा है, एडवर्स इम्पैक्ट तो नहीं हो रहा है। तो इस चीज़ को NGT के द्वारा देखा जाता है। साथ ही नेशनल पॉलिसी है मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेसिड्यू 2014 का, जिसमें कि बर्निंग ऑफ क्रॉप रेसिड्यू को जो जलाया जाता है उसको प्रिवेंट करने की बात की गई है। यानी कि यहाँ पे जो मॉडर्न मशीन है ये कहा जा रहा है कि इंसेंटिवाइज़ करें किसानों को कि वो मॉडर्न मशीन्स को जो है परचेज़ करें। यानी कि मॉडर्न मशीन को परचेज़ करने के लिए किसानों को पैसे देने की ज़रूरत है, जिससे कि अगर उनके पास मशीन आ जाएंगे ना तो वो ये काम नहीं करेंगे। थर्ड है यहाँ पे कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, यानी कि पूरी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्कीम लाया गया है। 100% फंडिंग यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है, जिससे कि वो एग्रीकल्चर मेकनाइजेशन को प्रमोट करें, वो भी इन सीतू मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेसिड्यू को। और कहाँ कहाँ, तो ये आप देखो कि पंजाब, हरियाणा, यूपी और NCT ऑफ दिल्ली का, ठीक है। तो ये सारे एरिया में जो है मशीन देने की बात की जा रही है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट की भी गाइडलाइन लेकर आया गया है यहाँ पे कि फार्मर्स को इंसेंटिवाइज़ करने की ज़रूरत है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे के फॉर्म में उनको मदद करने की ज़रूरत है, जिससे कि जो पैडी का क्रॉप स्टबल रह जाता है ना उसको वो जलाना ओपन में वो बंद करें। साथ ही हमारा जो एक यहाँ पे अथॉरिटी है एनवायरमेंटल पोल्यूशन अथॉरिटी, जो कि दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, यूपी को ये डायरेक्ट किए कि वो अपने यहाँ ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान को इम्प्लीमेंट करें। ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान है क्या, कि ऐसा एक एक्शन प्लान लेकर आए जिससे कि जो एयर पॉल्यूशन यहाँ पे बढ़ते जा रहा है दिल्ली और NCR वाले रीजन में उसको ये कम करना है। ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान की अगर बात करें तो एक स्ट्रेटिफाइड एक्शन लेकर आना है जिससे कि पॉल्यूशन लेवल जो है वो कम हो, जितना भी स्पेसिफाइड लिमिट है उससे वो ना बढ़ सके। तो ये कुछ आप देख सकते हो कि पॉलिसी बनाया गया है जिससे कि जो स्टबल बर्निंग की कंप्लेन है और जो स्टबल बर्निंग की प्रॉब्लम है उसको कम करने की बात की जा रही है। यहाँ पे देख सकते हैं कि ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान है क्या, तो ये पूरे 4 स्टेजेस में है। फर्स्ट स्टेजेस में क्या है कि यहाँ पे मॉडरेट करना है पुअर क्वालिटी एयर को, जो क्वालिटी एयर की जो क्वालिटी है उसको यहाँ पे मॉडरेट करने की बात की जाती है। सेकंड है यहाँ पे कि वेरी पुअर यहाँ पे एयर होता है, यानी कि पार्टिकुलेट मैटर 2.5 है या फिर पार्टिकुलेट मैटर 10 है, इन दोनों को यहाँ पे जो है वेरी पुअर लेवल पे रखा गया है कि यहाँ पे जो कोल का इस्तेमाल है, फायरवुड का इस्तेमाल है उसको स्टॉप करना है, बैन करना है डीजल जनरेशन में। साथ ही साथ आप देखो कि यहाँ पे पीपल्स को कहना है कि वो रेस्पिरेटरी के साथ जो है जिनको सांस लेना या कार्डियक प्रॉब्लम है तो वो घर पे ही रहे, ठीक है। तो अभी एक बात ये बताइए कि PM 2.5 यानी कि पर्टिकुलेट मैटर 2.5 एंड PM 10 है, ये दो तरीके की यहाँ पे पर्टिकुलेट मैटर है जिसको कि मेज़र किया जाता है कि इनकी लेवल कितनी है, उस अकॉर्डिंग बताया जाता है कि हमारे यहाँ एयर पॉल्यूशन की क्वालिटी कैसी है। तो इसमें से दोनों में से डेंजर कौन सा होता है ये आप बताइए, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, फिर मैं बताती हूँ। मैं पहले भी इसके बारे में डिस्कस कर चुकी हूँ। तो PM 2.5 और PM 10 इन दोनों में से सबसे ज़्यादा डेंजरस जो होता है वो PM 2.5 होता है। आप देखते हो कि हमेशा कहा जाता है कि PM 2.5 का लेवल बढ़ गया, क्यों ये ज़्यादा डेंजरस होता है, क्योंकि जो माइन्यूट आप देखो कि पार्टिकुलेट मैटर यानी कि जो भी आपका पॉल्यूशन होता है ना वो एकदम छोटा सा पार्टिकल्स में होता है, और PM 2.5 क्या करता है, तो आप लोग जवाब दे दिए। अब यहाँ पे बताती हूँ, PM 2.5 जो होता है इसकी आप देखो कि
जो पार्टिकुलेट मैटर होती है वो 2.5 डायमीटर से भी कम होती है। इट मीन्स कि बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो अब हवा में वो तैरते रहते हैं। अब जब हम लोग इनहेल करेंगे तो वो हमारे अंदर जो है आसानी से इंटर कर सकते हैं, हमारे लंग्स में जाकर वो डीप सीटेड कर सकते हैं, एकदम कोर में जाकर वो बैठ भी सकते हैं। उसी की कंपैरिजन में अगर PM10 देखें तो इसकी जो पार्टिकुलेट मैटर है वो थोड़ी सी लार्जर है अगर PM2.5 के कंपैरिजन में देखें। तो 10 डायमीटर से कम इनकी पार्टिकुलेट मैटर होती है, तो ये भी हम लोग आसानी से इनहेल कर लेते हैं, बट ये हमारे हेल्थ को उतना ज़्यादा डेंजर नहीं पहुँचाता है जितना PM2.5 है। सो सबसे ज़्यादा डेंजरस जो हो गया वो PM2.5 हो गया। ओके, अब ये आता कहाँ से, कैसे ये हमारे एयर में प्रेजेंट होता है? तो एक्चुअली जितने कचरे वगैरह होते हैं ना उससे ये निकल कर आता है। अभी क्रॉप रेसिड्यू भी जो आप बर्न करते हैं फार्मर्स लोग, उससे भी ये निकलता है। साथ ही जो कंस्ट्रक्शन का काम होता है उससे जो डस्ट निकलता है उससे भी यहाँ पे इमीट होता है। तो ये सारे कचरे से, ये जो डस्टिंग होती है उससे ये इमीट होता है और हमारे एयर में ये फैला रहता है। ठीक है, तो इसलिए इसको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो थर्ड स्टेज में क्या है कि सिवियरली पॉल्यूटेड एयर है। यहाँ पे क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी जो रोड क्लीनिंग और वॉशिंग का है वो इंक्रीज़ हो जाता है, शट डाउन कर दिया जाता है, जितने जो ईंट बनाने वाले फैक्ट्री है उसको शट डाउन कर दिया जाता है। साथ ही स्टेज फोर में आकर इमरजेंसी हो जाता है, जिसे हम लोग सेवियर कहते हैं। इमरजेंसी कहने का मतलब है कि यहाँ पे तो ट्रक्स की एंट्री भी बैन हो जाती है उस रीजन में, जितने भी कंस्ट्रक्शन वर्क है उसको रोक दिया जाता है। तो ये सारे एक्शंस लिए जाते हैं। तो जिस तरीके का पर्टिकुलेट मैटर की जो मीन्स जो कैटेगरी है, जैसे PM2.5 का कितना बढ़ चुका है, PM10 कितना बढ़ चुका है, तो उस हिसाब से स्टेप्स लेना चाहिए, ऐसा यहाँ पर राज्य को गाइडलाइन दिया गया है, जिसे हम लोग ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान कह रहे हैं। इसके अलावा देखते हैं कि ग्रीन हाउस गैस जो इमीट होती है एग्रीकल्चर सेक्टर से, तो उससे क्या क्या सोर्सेज हैं। तो एनर्जी यूज़ की अगर हम लोग बात करें, जो एनर्जी यूज़ किया जाता है वो हमारा जब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है तो उसके लिए जो फ्यूल है वो बर्न होता है, और उसके लिए जो इस्तेमाल होता है वो यहाँ पे आपका मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड गैसेज है जो कि इससे एसोसिएटेड इमीट होती है। क्रॉप रेसिड्यू से भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे नाइट्रस ऑक्साइड गैस है जो कि यहाँ पे इमीट होता है। सिंथेटिक फर्टिलाइज़र वगैरह देखें तो यहाँ पे यूरिया वगैरह यूज़ किया जाता है। राइस कल्टीवेशन में सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे मीट होता है वो मीथेन है। मैन्योर मैनेजमेंट में भी मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड है। इंट्रिक अगर हम लोग यहाँ पे फर्मेंटेशन देखें तो यहाँ पे मीथेन है जो कि डाइजेस्टिव प्रोसेस से ही यहाँ पे निकलता है, जितने भी एनिमल है, रुमिनेंट एनिमल जो कि जैसे कैटल हो गए, शिप हो गए, गोट हो गए, बफेलो हो गए, तो उनसे भी इस तरीके का जो है गैसेस निकलते रहता है, ग्रीन हाउस गैसेस। अब बात करते हैं इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन अथॉरिटी की, जो कि प्रिवेंशन एंड कंट्रोल है। तो नाम से ही पता चल रहा है कि इन्वायरमेंट को प्रिवेंट करने के लिए और जो पॉल्यूशन बढ़ते जा रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए इस तरीके की अथॉरिटी बनाई गई है। बट ये जो अथॉरिटी इस्टेब्लिश किया गया है, ये कैसे इस्टेब्लिश किया गया, तो हमारा एक बहुत फेमस एक्ट है एंड वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक ऑफ UPSC जो कि है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। इसके तहत इस अथॉरिटी का गठन किया गया जो कि हमारे इन्वायरमेंट को टैकल करने के लिए बनाई गई है। इसमें आप देखो कि इसमें एक पावर है CUMOTO का, CUMOTO एक्शन लेने का भी पावर है। इंडिविजुअल भी ले सकते हैं, कोई रिप्रेजेंटेटिव बॉडी भी और कोई ऑर्गेनाइजेशन भी। इट मीन्स कि अगर आप देख रहे हो कि कोई भी तरीके का ऐसा काम किया जा रहा है कहीं पे भी जिससे कि एयर पॉल्यूशन बढ़ रही है, तो आपको भी ये अधिकार है बीइंग इंडिविजुअल कि आप लोग भी यहाँ पे लीगल एक्शन ले सकते हो, कंप्लेन करा सकते हो। तो ये इस अथॉरिटी के तहत जो है, इस अथॉरिटी के पास जाकर आप कंप्लेन कर सकते हो। ये यहाँ पे इंडिविजुअल को, कोई रिप्रेजेंटेटिव बॉडी को और ऑर्गेनाइजेशन को इस तरीके का जो है अधिकार दिए हुए हैं। तो ये सारे इतने बात किए जा रहे हैं स्टबल बर्निंग के बारे में, तो आई होप कि आप समझ गए हो। इसी से रिलेटेड न्यूज़ देख लेते हैं जो भी यहाँ पे इस बार न्यूज़ में रहा। तो सबसे पहले बात की जा रही है पूसा बायोडिकम्पोज़र के बारे में। सो व्हाट इज़ पूसा बायोडिकम्पोज़र? रिसेंटली इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा यहाँ पे पूसा, तो दिल्ली में ये डेवलप किया गया है एक डिकम्पोज़र कैप्सूल जिसका नाम है पूसा, यानी कि यहाँ पे डिकम्पोज हो जाएगा। जैसे आप कोई कचरे फेंकते हो कहीं पे, तो कुछ दिन के बाद आप देखते हो कि वो कचरा ख़त्म हो गया। अब उस कचरे में आपका, मान लीजिए कि हाउस होल्ड कचरा है, कोई किचन की वेस्टेज है, कोई सब्जी अगर छील कर आप फेंक देते हो उसके कचरे, या फिर कुछ भी आप कचरा फेंक देते हो मीन्स थर्मोकोल नहीं और प्लास्टिक के अलावा, वो सब आप देखते हो कि मिट्टी में जो है ना कुछ दिन में मिल जाता है। तो ये क्या हो गया, ये डिकम्पोज हो गया, ख़त्म हो गया है कि नहीं? तो ये डिकम्पोज फास्ट तरीके से करने के लिए एक कैप्सूल बनाया गया है। वो वही वैसे ही कैप्सूल है जो कि आप खाते हो। तो यहाँ पे क्या करना है ना कि बायो डिकम्पोज़र हो, यानी कि एकदम आराम से, इसमें बायो है यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से इस टैबलेट में आपका प्रेजेंट है, टैबलेट करना सही नहीं, कैप्सूल में प्रेजेंट है बायो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो कि क्या करेंगे ना कि जल्दी से वो जितने भी कचरे हैं उसको वो खा कर जो है ना पूरी तरीके से ख़त्म कर देंगे। तो आपको पता है कि हमारे यहाँ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट करके एक कानून आया है जिसमें कि वेट वेस्टेज और सॉलिड वेस्टेज को जो है
प्रॉपर डिस्पोजल और प्रॉपर तरीके से उसको मैनेज करने का उसमें रूल्स रखा गया है। तो उसके लिए भी ये बेटर तरीके से यूज़ किया जा सकता है कि कचरे जो डंप करते हैं हम लोग, वो बहुत सालों तक डिकम्पोज नहीं हो पाते, तो उसको डिकम्पोज करने के लिए यानी कि मिट्टी के साथ मिलाने के लिए इस तरीके का कैप्सूल बनाया जा रहा है जिसमें कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे जो कि बहुत फास्ट तरीके से उसको डिकम्पोज कर पाएंगे, ठीक है। और ये ईजिली आपका कन्वर्ट हो पाएगा लिक्विड सॉल्यूशन में, या फिर इसको आप जो है फील्ड के ऊपर भी स्प्रे कर सकते हैं जिससे कि स्टबल भी डिकम्पोज हो सके। जो स्टबल बर्निंग जलाने की बात की जा रही है, तो जलाने की ज़रूरत नहीं है, इसको जो है लिक्विड टाइप से पूरा स्प्रे कर दे तो कुछ दिन के बाद जो है या कुछ घंटों के बाद वो ऑलरेडी डिकम्पोज हो जाए, ठीक है। तो ये बायो डिकम्पोजर पूसा याद रखना है, ये आप लोग एक सॉल्यूशन के तौर पर भी लिख सकते हो स्टबल बर्निंग का। सेकेंड है कि एंटी स्मॉग गन, यानी कि एक तरीके का गन है जिसमें कि एंटी स्मॉग है, जो आप लोग देख रहे हो कि इसको दिल्ली में ही इंस्टॉल किया गया है जिससे कि एयर पॉल्यूशन को यहाँ पे कम कर सके। अब एयर पॉल्यूशन को मापा जाता है PM10 PM2.5 से, तो इसको कम करने की बात की जा रही है। ये एंटी स्मॉग गन है जो कि इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि ये एकदम फाइन स्मॉग फाइन फॉग होगा, ठीक है। एकदम फाइन जो फॉग क्या होता है, फॉग एक ऐसी आपको वाटर ड्रॉपलेट देखने को मिलेगी जो कि रातों में होती है और उससे जो है विजिबिलिटी जो है वो कम हो जाता है। तो इससे जो है ये आपका एक फाइन वाटर ड्रॉपलेट होगा, इस तरीके से ये हल्की हल्की छींटे जो पानी के फुहारे की है वो आपको देखने को मिलेगा। ये टाइनी वाटर ड्रॉपलेट है जो कि स्प्रे किया जाएगा और इससे जो हाई इससे क्या होगा ना कि जितने भी डस्ट है ना एयर में उसको एब्जॉर्ब किया जाएगा। साथ ही ग्रीन क्रैकर लाई गई है। अब आप लोग देखते हो कि दिल्ली वाले की बड़ी समस्या ये होती है कि अक्टूबर के मंथ में नवंबर के मंथ में जब एयर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो सुप्रीम कोर्ट भी मजबूर हो जाता है, वो बोलता है कि बैन कर दो क्रैकर्स नहीं जलाने दीपावली में। अब उसका अल्टरनेटिव निकाल के लाया गया क्योंकि क्रैकर फिर इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, तो एक काम करते हैं ग्रीन क्रैकर जलाते हैं, यानी कि ऐसा क्रैकर है जिससे कि हमारे एनवायरमेंट को नुकसान नहीं होगा। तो ग्रीन क्रैकर है जिसमें कि इसमें जो बैंड केमिकल्स होते हैं, यानी कि वो सारे केमिकल्स जो बंद कर दिए गए वो अलाउ नहीं किए जाते कि उसको यूज़ करें, जैसे लीथियम, आर्सेनिक, बेरियम और लीड है, ये चार ऐसे हार्मफुल है केमिकल जो कि मिलाए जाते हैं पटाखों में, तो इसको बंद कर दिया गया है, ये ग्रीन क्रैकर्स में नहीं यूज़ किया जाता। यहाँ पे जो ग्रीन क्रैकर्स लाया गया है इसका तीन नाम है, एक है स्वास, दूसरी है स्टार, तीसरी है सफल। तो स्वास क्या है, ये है सेफ वाटर रिलीज़र, यानी कि जब आप कोई भी पटाखे जलाओगे तो उससे एक वाटर रिलीज़ होगा जो कि हमारे हेल्थ के लिए वो सेफ होगा। स्टार है, ये है सेफ टर्माइट क्रैकर है, एंड थर्ड है सफल, यानी कि सेफ मिनिमल एल्यूमिनियम क्रैकर है। तो ये याद रखना है स्वास, सफल और स्टार, ये तीन तरीके के क्रैकर्स लाए गए हैं। ग्रीन क्रैकर्स जो है ना वो वाटर वेपर रिलीज़ करेंगे और फिर वो अलाउ नहीं करेंगे डस्ट पार्टिकल्स को कि और ज़्यादा बढ़े, यानी कि डस्ट पार्टिकल PM 2.5 और PM 10 जो है वो और ज़्यादा बढ़े इस तरीके का अलाउ नहीं किया जाएगा। एक वाटर वेपर यहाँ से रिलीज़ होगा जो कि जितने भी पार्टिकल्स जो डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट है एयर में वो बढ़ेंगे नहीं। साथ ही साथ आप देखो कि यहाँ पे इसको डेवलप किसके द्वारा किया गया, तो नेरी के द्वारा डेवलप किया गया, नेशनल इन्वायरमेंटल एंड इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूशन है, एक ही आईसी जो काउंसिल ऑफ CSIR का लैब में इसको जो है आपका बनाया गया, तो ये भी ध्यान रखना है। उसके अलावा ग्रीन चारकोल, अब आपको पता है कि चारकोल भी हमारे यहाँ काफ़ी यूज़ किया जाता है, तो रिसेंटली ग्रीन चारकोल हैकेथॉन जो है लॉन्च किया गया। अब ये चारकोल वगैरह की बात करेंगे, कोल वगैरह की बात करेंगे, तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर ही यहाँ पे इंक्लूड होंगे, तो इस तरीके से ध्यान लगाकर आपको याद रखना है। इसका ऑब्जेक्टिव है कि क्लीन द एयर बाय एलिमिनेटिंग फार्म फायर, जो जंगलों में आग लगाया जाता है, जंगल तो नहीं कहेंगे, जो एग्रीकल्चर सेक्टर में आग लगाया जाता है और जो रिन्यूएबल एनर्जी हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं एग्रो रेसिड्यू से, तो ये सारी चीज़ों को यहाँ पे क्लीन करना है। ग्रीन चारकोल एक तरीके का टाइप है किसका, तो बायोफ्यूल का, जो कि या तो लोकली या तो इन एक्सपेंसिवली इसको बनाया जा सकता है, ये महंगा भी नहीं है और आराम से इसको हम लोकल तरीके से क्रिएट भी कर सकते हैं। एग्रीकल्चर वेस्ट मटेरियल है जो कि सीज़न के लिए बेस्ट होता है और साथ ही रीजन जो है वो कार्बनाइज्ड है, इसको हम लोग क्लीन तरीके से जला सकते हैं और इससे जो एक्सपोज़र होता है वो कम होता है। मीन्स आप जब चारकोल जलाते हो तो उससे ज़्यादा काला धुआं निकल के आता है, तो लेकिन ग्रीन चारकोल आप जलाओगे तो काला धुआं निकल के नहीं आएगा। तो दीज आर सम सॉल्यूशंस आप कह सकते हो जो कि अगर एयर पॉल्यूशन में लिख रहे हो तो इसको आप बेटर तरीके से इंक्लूड कर सकते हो। अब आते हैं नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम में, तो ये NCAP प्रोग्राम है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे 2,200 करोड़ यहाँ पे राज्य सरकार को दिया गया जिससे कि एयर पॉल्यूशन जो बढ़ते जा रहा है उसको यहाँ पे कम किया जा सके, फाइट किया जा सके। अब इसके अंदर यानी कि नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के अंदर जो भी मनी है वो एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पे यूज़ किया जाएगा, लेकिन सबसे मेन बात ये है कि दिल्ली जो है वो इस तरीके के फ़ंड को रिसीव नहीं करेंगे, तो दिल्ली को बाहर रखा गया है। अब ऐसा है कि ये जो पैसे इस फंड के अंदर है ना, ये डायरेक्ट किसके पास जाएगा, तो लोकल अर्बन बॉडीज़ के पास जाएगा और राज्यों में स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के पास जाएगा, तब वहाँ से ये पैसे जो है वो दिए जाएंगे और जो भी यहाँ पे काम करना है एयर पॉल्यूशन को कम करने के लिए वो सारा काम यहाँ पे किया जाएगा।
अब ये जो NCAP है, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है, एक तरीके का पोल्यूशन कंट्रोल इनिशिएटिव आप कह सकते हो, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट इसलिए है क्योंकि बात हम लोग एनवायरनमेंट की कर रहे हैं। जब भी पोल्यूशन की बात आएगी तो एनवायरनमेंट की हम लोग बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट यहाँ पे इंक्लूड होंगे, जो कि बेसिकली यहाँ पे कंसंट्रेट करेंगे PM10 और PM2.5 को लेकर। ठीक है, ये इंप्लीमेंट किया जाएगा 102 नॉन अटेनमेंट सिटीज़ में। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है जो कि इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे, और मेनली यहाँ पे जो एयर पोल्यूशन बढ़ते जा रहा है उसको प्रिवेंट किया जाएगा, रोका जाएगा, इस तरीके का काम करना है। साथ ही राज्य सरकार को भी बताया जाएगा कि कैसे वो इस तरीके के प्लान को जो है अपने राज्यों के अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो NCAP के बारे में पता चल गया। अब ध्यान देते हैं हम लोग यहाँ पे रिलेटेड न्यूज़। ऐसा कहा जा रहा है कि फर्स्ट एवर इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज, यानी कि पहली बार ऐसा डे सेलिब्रेट कर रहे हैं जो कि यहाँ पे क्लीन एयर होगा ब्लू स्काइज़ के लिए। 2019 में यूनाइटेड नेशन के द्वारा एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया था कि अब हम लोग 7th of September को हर एक साल, जो कि 2020 से स्टार्ट होगा, तो 2020 का ये 7th of September है जिसमें कि हम लोग इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर को ब्लू स्काइज़ के लिए, यानी कि ब्लू स्काई हो उसके लिए हम लोग इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर को सेलिब्रेट करेंगे। इसका एम यही है कि पब्लिक अवेयरनेस फैलाना। सबसे ज़्यादा लोगों की यहाँ पर अवेयरनेस की ज़रूरत है, क्योंकि हम जैसे लोग जो है ना, हम ही लोग इन्वायरमेंट को गंदा करने और इन्वायरमेंट को ज़्यादा पॉल्यूट करने के लिए कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है। अगर एयर पॉल्यूशन हो रहा है तो कुछ नेचुरल सोर्सेज भी है और ज़्यादा से ज़्यादा एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ भी है। इट मीन्स कि हम लोग दिन डे बाई डे जो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उससे एयर पॉल्यूशन बढ़ते ही जा रहा है। जैसे आप लोग देखोगे, हम लोग शॉर्ट डिस्टेंस के लिए भी निकलते हैं तो हम लोग पैदल जाने के या फिर बाइसिकल यूज़ करने के अलावा हम क्या करते हैं, फोर व्हीलर निकाल लिए, टू व्हीलर निकाल लिए, तो इससे क्या हो रहा है कि पेट्रोल जल रहा है, डीजल जल रहा है, और उससे ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो रहा है, इमिशन हो रहा है कि नहीं। तो ये सारा काम है जो कि हमारे द्वारा किया जा रहा है। कचरे हम लोग ओपन में ही डाल देते हैं, ओपन में ही कचरे जला देते हैं, तो ये सब भी हम लोग करते हैं। साथ ही यहाँ पे क्लोज लिंक किया जाएगा जो एयर क्वालिटी है उसको अदर इन्वायरमेंटल चैलेंजेस के साथ इसको जोड़ा जाएगा, जैसे क्लाइमेट चेंज को लेकर जो परेशानियाँ हैं, हमारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, देयर आर 17 गोल्स इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो कि यूनाइटेड नेशन का ये मूव्स है 2015 में लाया गया, और कोशिश किया जाएगा कि 2030 तक यहाँ पर टारगेट है कि कंप्लीट करना है, यानी कि अचीव करना है ऑल द गोल्स को। तो यहाँ पे इसको भी यहाँ पे बात की जाएगी, प्रमोट किया जाएगा, और यहाँ पे जो भी सॉल्यूशन है वो सारी चीज़ों को यहाँ पे लाया जाएगा जिससे कि एयर क्वालिटी बेटर से बेटर तरीके से इम्प्रूव हो सके। साथ ही यहाँ पे इंटरनेशनल एक्टर्स को भी एक साथ लाने की बात की जा रही है, जैसे कि एक स्ट्रैटेजिक अलायंस हम लोग यहाँ पे फॉर्म कर सकें। तो इसके बारे में ध्यान रखिएगा, जो भी वन लाइनर क्वेश्चंस या आप लोग कोई और भी एग्ज़ाम देते हो तो जिसमें कि ये डेज पूछे जाते हैं तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, कि पहली बार कोई डेज स्टार्ट किया जा रहा है वो भी इंटरनेशनल लेवल पर, और वो भी यूनाइटेड नेशन के द्वारा कहा गया है, तो फिर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में, जो कि है इमिशन नॉर्म्स फॉर थर्मल पावर प्लांट। तो थर्मल पावर प्लांट से भी बहुत ज़्यादा इमिशंस होते हैं, तो उनके लिए यहाँ पे क्या नॉर्म्स लाए जा रहे हैं। इंडिया के द्वारा कुछ पुश बैक किया जा रहा है डेडलाइंस फॉर कोल फायर्ड पावर प्लांट, कि वो यहाँ पे न्यू इमिशन नॉर्म्स को अडॉप्ट करे, वो भी 3 साल के लिए, ठीक है, अप टू 3 ईयर्स, और इसको एक्सटेंड किया गया है 2025 तक। अगर हम लोग यहाँ पे देखें सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट एस्टीमेट के द्वारा, तो ऐसा कहा जा रहा है कि जो कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट है ना, वो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है 70% जो टोटल फ्रेश वाटर विड्रॉवल हो रहा है सारे इंडस्ट्री से। तो मतलब आप समझ रहे हो कि इंडस्ट्री से भी काफ़ी ज़्यादा जो है आज के डेट में फ्रेश वाटर का यहाँ पे विड्रॉवल हो रहा है। 60% जो टोटल इंडस्ट्री इमिशन है पर्टिकुलेट मैटर का, 45% यहाँ से इमिशन हो रहा है सल्फर डाइऑक्साइड का। अब एक ग्रीन वॉच के द्वारा, ग्रीन पीस के द्वारा, सॉरी मैं थोड़ा कन्फ्यूज़ हो रही हूँ, एक रिपोर्ट पब्लिश की गई थी जिससे ये बताया गया था कि इंडिया सबसे हाईएस्ट इमीटर है सल्फर डाइऑक्साइड का, तो इसलिए ये देख सकते हो आप लोग, और हाईएस्ट इमीटर है वो भी सबसे ज़्यादा जो इमीट होता है वो थर्मल पावर प्लांट से ही होता है। 30% यहाँ पे नाइट्रस ऑक्साइड है, और मोर देन 80% हम लोग मरकरी जो है वो इमीट करते हैं। तो ये कहाँ से हो रहा है, ये इंडस्ट्री से हो रहा है, वो भी कोल बेस्ड से। 2015 में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा नोटिफाई किया गया, कुछ स्पेसिफिक स्टैंडर्ड लाया गया था थर्मल पावर प्लांट के लिए जिससे कि जो इमिशन है ना उसको हम लोग कंट्रोल कर सके। और ये सारे नॉर्म्स जो है वो स्टैंडर्ड रखा गया था पार्टिकुलेट मैटर के लिए, सल्फर डाइऑक्साइड के लिए, नाइट्रस ऑक्साइड के लिए, मरकरी के लिए और वाटर के लिए, कि कितना इमिट करना है। इस रूल्स के अकॉर्डिंग आप देख लो कि क्या क्या यहाँ पे रखा गया था। तो सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो थर्मल पावर प्लांट जो है उनको यहाँ पे ज़रूरत है कि एक नोटिफाइड लिमिट लगाए, वो भी 2 साल के तहत ही, और फेज मैनर में कहा जा रहा था कि जो इमिशन है उसको धीरे धीरे कम करने के लिए एक लिमिट सेट करना ज़रूरी है। यहाँ पे जो आज के डेट में एग्जिस्टिंग नॉर्म्स है उसको तो पहले इम्प्लीमेंट कीजिए जिससे कि जो सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर है और उसका इमिशन कम हो सके। साथ ही साथ
न्यू नॉर्म्स लाए जो कि इमिशंस यहाँ पे देख सके सल्फर डाइऑक्साइड का, नाइट्रस ऑक्साइड का और मरकरी का। तो अलग से भी नॉर्म्स लाने की बात की गई थी जिसको कि 2003 के पहले ही इंस्टॉल किया गया था। साथ ही साथ आप देखो कि एक स्पेसिफाइड मॉडिफाइड लिमिट भी यहाँ पे रखा गया था जिससे कि यहाँ पे जो कंजप्शन हो रहा है थर्मल पावर प्लांट से वाटर का उसको यहाँ पे देखा जाए। तो ये सारी पहले से ही ऑलरेडी हमारे इंडिया में है ही, लेकिन मेन बात है कि थर्मल पावर प्लांट और जितने भी इंडस्ट्रीज़ है वो थोड़ा मनमानी चलाते हैं, वो इन सारी चीज़ों को फॉलो नहीं करते। और मेनली हमारे यहाँ जो ड्रॉबैक है वो है मॉनिटरिंग का, कि टाइम टू टाइम मॉनिटरिंग भी बेटर तरीके से नहीं हो पाता है। अब इन सारी बातों का सॉल्यूशन क्या है, कैसे जो है हम लोग थर्मल पावर प्लांट में जो इमिशन है उसको कम कर सकते हैं? सो द बेटर सॉल्यूशन इज़ फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन। ये फ्लू गैस जो डीसल्फराइजेशन है एक तरीके का टेक्नोलॉजी है जिसको अगर इंस्टॉल किया जाए हमारे थर्मल पावर प्लांट से तो इससे हम लोग सल्फर डाइऑक्साइड की जो इमिशन है उसको रिमूव कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर आप देखो कि या तो वेट या तो ड्राई प्रोसेस है इसका, तो दो तरीके का प्रोसेस देखने को मिलेगा। एक जो ड्राई प्रोसेस है फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन का, तो इसमें क्या होता है ना कि स्क्रबिंग इंजेक्शन सिस्टम होता है, जैसे आप लोगों को इंजेक्शन लगाई जाती है तो वैसे ही यहाँ पे इंजेक्शन सिस्टम होता है। एक्चुअली यहाँ पे लाइम यूज़ किया जाता है जो कि यहाँ पे रिएक्ट किया जाएगा और इससे गैसेस जो पॉल्यूटेंट है उसको रिमूव की जाएगी। एक ड्राई इंजेक्शन प्रोसेस है जिसमें कि जो ड्राई यानी कि जो सूखा यहाँ पे हाइड्रेटेड लाइम है उसको डायरेक्टली इंजेक्ट किया जाएगा फ्लू गैस डक्ट में। यानी कि डक्ट कहने का क्या मतलब होता है, एक नली होती है, जैसे हमारे अंदर भी डक्ट है ना, इंडोक्राइन डक्ट एक्सोक्राइन डक्ट, तो उसी तरीके से डक्ट है, एक पाइप होता है, नली होता है, उसमें जो है इस तरीके का इंजेक्शन दिया जाएगा। साथ ही यहाँ पे क्या है कि वेट फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन भी है, इससे क्या है कि एक शॉवर आपको देखने को मिलेगा लाइम स्लरी का जिसको स्प्रे किया जाएगा, वेट यानी कि पानी के फॉर्म में इसको स्प्रे किया जाएगा फ्लू गैस स्क्रबर में, और वहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड की जो इमिशन होती है एक्चुअली वो स्प्रे के तहत उसमें जो है एब्जॉर्ब किया जाएगा। फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन वेस्ट वाटर की अगर बात करें तो इसको इफेक्टिवली और इफ़िशेंटली हम लोग ट्रीट कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा फिल्टर प्रोसेस को यहाँ पर यूज़ करके। तो सबसे अच्छा ये टेक्नोलॉजी है जिसको बाहर की जितनी कंपनी है वो ज़्यादा से ज़्यादा इसको इंस्टॉल कर रही है। हमारे यहाँ भी इसको इंस्टॉल करने की बात की गई थी, बट ये वन यहाँ पे एक चैलेंज जो है कि आज तक भी कि उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया क्योंकि थोड़ा एक्सपेंसिव आ जाता है। एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी है जिसको हम लोग जल्दी से जल्दी ग्रैप नहीं कर पाते हैं, बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ जो है इसको फेवर नहीं कर पाते, तो एक मेजर चैलेंज है, इसलिए हम लोग इसको अडॉप्ट नहीं कर पा रहे। सेकेंड यहाँ पे कि सेलेक्टिव कैटलिटिक रिडक्शन है, SCR कहते हैं। तो ये करेंटली आप देखो कि काफ़ी ज़्यादा ये यूज़ हो रहा है क्योंकि ये चीपर देन फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन है। एमोनिया यहाँ पे यूज़ किया जाता है रिड्यूसिंग एजेंट में, यानी कि जो यहाँ पे नाइट्रस ऑक्साइड वगैरह जो भी इमिशन हो रहा है ग्रीन हाउस गैस का, तो उसको रिड्यूस करने के लिए यहाँ पे क्या इस्तेमाल होता है, एमोनिया इस्तेमाल होता है, ठीक है। और फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन में क्या इस्तेमाल होता है, तो लाइम को इस्तेमाल किया जाता है। ये भी याद रखिए कि कौन कौन से केमिकल कहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं। साथ ही साथ आप देखो कि कैटलिस्ट जो है वो यूजुअली एक मिक्सचर होता है, क्या मिक्सचर है, तो टाइटेनियम डाइऑक्साइड का, वेनेडियम पेंटोक्साइड का, टंगस्टन ट्राइऑक्साइड का, तो ये तीनों का ये आपको जो है एक तरीके का मिक्सचर देखने को मिलेगा। ये जो यहाँ पे प्रोसेस है इससे क्या होता है कि 60-90% जो नाइट्रस ऑक्साइड है ना वो फ्लू गैस से आपका रिमूव हो जाता है, तो ये चीज़ें बहुत बेहतरीन है, ये आपको देखने को मिलेगा। थर्ड यहाँ पे क्या टेक्नोलॉजी है, सेलेक्टिव नॉन कैटलिस्टिक कैटलिटिक रिडक्शन। तो नॉन कैटलिटिक रिडक्शन इट मीन्स कि इसमें कैटलिटिक की ज़रूरत नहीं है। कैटलिटिक क्या होता है, बहुत सारे गैसेस का आप देखते हो कि मिक्सचर होता है, तो यहाँ पे नॉन कैटलिटिक रिडक्शन से भी हम लोग बहुत सारे गैसेस की इमिशन को कम कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस में रीएजेंट कौन सा है, तो यूरिया है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, एनहाइड्रस अमोनिया है, एक्वस अमोनिया है, तो ये सारे हैं जो कि फ्लू गैस में इसको इंजेक्ट किया जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आप देखो कि नाइट्रस ऑक्साइड और जो रीएजेंट है यूरिया वगैरह जैसा वो यहाँ पे रिएक्ट करेगा और इससे नाइट्रोजन और जो वाटर है वो यहाँ पे फॉर्म होगा, तो इसलिए यहाँ पे कैटलिस्ट की ज़रूरत नहीं होती है, ये आप समझ गए। फोर्थ ऑप्शन क्या है, हमारे यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर है, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर एक तरीके का फिल्ट्रेशन डिवाइस है जिसमें कि फाइन पार्टिकल्स को रिमूव किया जाता है, जैसे कि डस्ट हो गया, स्मोक हो गया, तो ये सबको रिमूव किया जाएगा वो भी फिल्ट्रेशन डिवाइस के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि गैस होगी जिसको कि इतना कॉम्प्लेक्स करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग इसको ऐसे ही समझिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर है, ये एक तरीके का फिल्ट्रेशन होता है, ठीक है, फिल्ट्रेशन डिवाइस है जिसमें कि आपका जो गैस यहाँ पे फ्लो होगा तो यहाँ पे जो फाइन पार्टिकल्स होंगे, डस्ट होंगे, स्मोक होंगे ना, तो ये ऊपर ही आपका जो है छन के रह जाएगा, उस तरीके का ये प्रेसिपिटेटर है। तो ये चार ऐसे टेक्नोलॉजी है जिसको कि हम लोग यूज़ कर सकते हैं और थर्मल पावर प्लांट में जो पॉल्यूशन है उसको कंट्रोल किया जा सकता है, फाइन, तो ये याद रख सकते हैं। इससे और रिलेटेड अगर हम लोग न्यूज़ देखें तो थर्मल पावर प्लांट है जिसमें कि अलाउ किया जा रहा है कि कोल को यहाँ पे हाई ऐश कंटेंट के साथ इस्तेमाल करना,
तो हमारे जो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री है उनके द्वारा एक न्यू रेगुलेशंस यहाँ पे इशू किया गया जिसमें कि थर्मा पावर प्लांट है जो कि यहाँ पे कोल को यूज़ करेंगे और वो भी हाई कंटेंट, ठीक है। तो ये जो है 2014 का रेगुलेशन आया था जिसमें कि मैंडेटरी कर दिया गया था सारे कोल बेस्ड जो थर्मा पावर प्लांट है कि वो कोल को यूज़ करेंगे, लेकिन मोर देन यहाँ पे 34% से ज़्यादा ऐश कंटेंट नहीं होना चाहिए। कोयला होता है दो तरीके का, जिसमें कि ऐश कंटेंट ज़्यादा होता है और कम होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जिसमें ऐश कंटेंट होता है वो तो और ज़्यादा धुआं करेगा और ज़्यादा ब्लैक कार्बन निकलेगा। तो यहाँ पे क्या है कि 34% से ज़्यादा जो है वो कोयला को यूज़ नहीं करना जिसमें 34% से ज़्यादा ऐश कंटेंट नहीं होना चाहिए। 2014 का जो रेगुलेशन था ये मैंडेटरी कर दिया गया था कोल प्रोड्यूसर्स को कि वो अपनी इम्प्योरिटीज़ जो भी है कोल से उसको वो रिमूव करें। 34% लिमिट लगाया गया था जिससे क्या हुआ कि जो थर्मा पावर प्लांट है ना वो यहाँ पे कोल को इम्पोर्ट करने लगे, यानी कि हमारे यहाँ जितनी कोल की प्रोडक्शन होती है उतनी हम लोग कोल जो है दूसरे कंट्री से भी इम्पोर्ट करते हैं। बट द एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि हमारी कोल की जो प्रोडक्शन होती है ना उसमें इम्प्योरिटीज़ बहुत ज़्यादा होती है, वो हाई क्वालिटी की नहीं होती है कि ऐश कंटेंट ज़्यादा होता है हमारे कोल में। तो बाहर की जो कोयला हम लोग इम्पोर्ट करते हैं तो उसमें ऐश कंटेंट लो होता है, तो वो हमारे लिए कुछ ना कुछ एक बेटर ऑल्टरनेटिव कहा जाता है। तो इसलिए यहाँ पर क्या हुआ कि थर्मा पावर प्लांट जो है मजबूरन में कोल इंपोर्ट करने लगे। तो इंडिया के जो डोमेस्टिक कोल रिजर्व्स है इसमें ऐश कंटेंट आप देखोगे तो 40-45% है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोल यहाँ पे ज़रूरत था कि जिससे कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाए जिससे कि ज़्यादा इमिशन हो रहा है। अब कुछ न्यू नोटिफिकेशन देख लेते। थर्मा पावर प्लांट के लिए यहाँ पे रखा गया है कि प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए, यानी कि जो भी थर्मा पावर प्लांट बेसिकली सब तो कोल ही इस्तेमाल करते हैं तो वो कोल ऐश को बेटर तरीके से डिस्पोज करें और जो इमिशन स्टैंडर्ड सेट किया गया ना उसको मीट करने के लिए यहाँ पे कहा गया है। साथ ही साथ कुछ नॉर्म्स भी सेट किया गया जिससे कि जो रिजेक्ट हो रहा है उसको भी डिस्पोजल किया जा सके, जैसे कि आप देखो ऐश का डिस्पोजल हो रहा है या फिर वॉशरीज़ का यहाँ पे डिस्पोजल हो रहा है तो उसको भी बेटर तरीके से यहाँ पे रखें। साथ ही स्ट्रेसेस जो यहाँ पे पोल्यूशन कंट्रोल टेक्नोलॉजी को यूज़ करने पे लगाया गया, जैसे अभी हम लोग चार टेक्नोलॉजी देखें तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस किया गया है कि एटलीस्ट आप लोग इसको लगा लीजिए, क्योंकि आप लोग तो बाज नहीं आएंगे थर्मा पावर प्लांट को, तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना है। अब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए जो है डिमांड पूरी करने के लिए उसको जो रॉ मटेरियल यूज़ करना है वो कोल ही यूज़ करेंगे, इमिशन तो होना ही है, तो वो बाज नहीं आएंगे। इससे बेटर है कि आप टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कीजिए। तो ये कंपलसरी कर दिया गया ट्रांसपोर्ट कोल इन कवर्ड व्हीकल, तो जो व्हीकल में कोल को भी जो ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था तो उसको प्रॉपर्ली एकदम कवर्ड कर देना जिससे कि एक जगह से दूसरी जगह जो कोल का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है तो एटलीस्ट उससे भी इमिशन ना हो, ठीक है, वो कॉन्टैक्ट में ना आए ओपन एयर के। तो ये सारी कुछ न्यू नोटिफिकेशन है जो कि हम लोग यहाँ पे पढ़ चुके हैं थर्मा पावर प्लांट के लिए। तो ये चीज़ आप देख लिए कि तीसरी रिस्पॉन्सिबल कौन है, हमारा थर्मा पावर प्लांट है। स्टबल बर्निंग हम लोग देख लिए, थर्मा पावर प्लांट देख लिए। अब यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अमोनिया पॉल्यूशन। तो अमोनिया पॉल्यूशन भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो अमोनिया गैस लीक जो है वो देखने को मिला था कहाँ, ये आपका यूपी के प्रयागराज में, जो कि इंडियन फार्मर फर्टिलाइज़र कोऑपरेटिव लिमिटेड है। तो अमोनिया के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट्स एंड फिगर देख लीजिए। अमोनिया जिसकी केमिकल फार्मूला NH3 है, ये कलरलेस है, ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्टिव होता है और सोल्यूबल भी है। ये इसमें हम लोग देखें तो नाइट्रोजन साइकिल इससे कॉन्स्टिट्यूट होता है और ये एडवर्सली इफेक्ट करते हैं हमारे इकोसिस्टम को। अमोनिया लिक्विड फॉर्म में यूज़ किया जाता है हाई प्रेशर में और लो टेम्परेचर में, ठीक है। गैसेस फॉर्म में कैसे रहता है, तो लो टेम्परेचर में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस याद रखिएगा, हाई प्रेशर में जो है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, लो टेम्परेचर में वो गैसेस फॉर्म में होता है। और अमोनिया नेचुरली हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है और किडनी के थ्रू ये आपका सिक्रेटेड भी किया जाता है एक्सेस एसिड में, तो ये भी ध्यान रखना है। सोर्सेज ऑफ इमिशन कहाँ से, कैसे जो है अमोनिया इमिट होता है, तो सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर से होता है जिसमें एनिमल हस्बेंड्री है, और अमोनिया बेस्ड जो फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन है उससे होता है। अदर सोर्सेज अगर हम लोग देखें तो इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस हैं, व्हीकल इमिशन है, वोलेटाइजेशन हो रहा है सॉइल से या ओशन से, डिकम्पोज हो रहा है ऑर्गेनिक वेस्ट या फिर फॉरेस्ट फायर, जंगलों में आग लग रहा है उससे भी अमोनिया काफ़ी ज़्यादा निकल रहा है, एनिमल और ह्यूमन वेस्ट है, कचड़ से भी अमोनिया निकलता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस है। सो दीज आर द सोर्सेज ऑफ इमिशन ऑफ अमोनिया। अब और आगे बढ़ते और देखते कि इसका यूज़ कहाँ है। तो हम लोग समझ लिए इतना जो सोर्सेज ऑफ इमिशन है उसी से समझ में आ गया कि कहाँ कहाँ यूज़ है। इंडस्ट्रियल केमिकल में यूज़ करते हैं, मेनली फर्टिलाइजर्स को प्रोडक्शन करने के लिए, प्लास्टिक वगैरह बनाने में भी अमोनिया इस्तेमाल होता है, सिंथेटिक फाइबर, डाइज और दूसरे और भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जिसको बनाने के लिए हम लोग अमोनिया का इस्तेमाल करते हैं। ये क्रिटिकल है, यानी कि आप देखो सबसे ज़्यादा जो फर्टिलाइज़र का मैन्युफैक्चरिंग होता है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल है, क्योंकि अमोनिया जो है ना ये अमोनियम नाइट्रेट बनाने के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ होता है और एग्रीकल्चर में भी यूज़ होता है हाई नाइट्रोजन जो फर्टिलाइज़र है कई बार। अब देखते हैं कि अमोनिया पॉल्यूशन का इफेक्ट क्या होता है। सबसे पहले इन्वायरमेंट में देखेंगे, फिर ह्यूमन बींग में देखेंगे। इन्वायरमेंट में क्या हो रहा है, सबसे पहला जो काम हो रहा है वो है क्लाइमेट चेंज, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा अमोनिया का इमिट होना,
यानी कि नाइट्रोजन और बढ़ रहा है, नाइट्रिफिकेशन हो रहा है, डीनाइट्रिफिकेशन हो रहा है, और इससे हमारा ग्रीन हाउस गैस जो इमिशन है वो बढ़ रहा है। एयर पॉल्यूशन बढ़ रहा है, जिसमें आप देखो कि जो रिएक्शन है अमोनिया का विद अदर ऑक्साइड, उससे ज़्यादा से ज़्यादा पॉल्यूटेंट्स हो रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। वाटर पॉल्यूशन हो रहा है, अमोनिया आप देखते हो कि पानी में घुल जा रहा है, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। लो ऑक्सीजन लेवल होते जा रहा है वाटर में, जिससे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को और जो वाटर में रहने वाले जितने जीव जंतु हैं उनको प्रॉब्लम हो रही है। इकोसिस्टम डैमेज हो रहा है ना, क्योंकि आप देखो एसिडिफिकेशन हो रही है, यूट्रोफिकेशन हो रही है। यूट्रोफिकेशन मीन्स एक्सेस नाइट्रोजन, अगर एक्सेस नाइट्रोजन प्रेजेंट हो जाए सॉइल में प्रेजेंट हो जाए तो उसको हम लोग यहाँ पे यूट्रोफिकेशन कहते हैं, जिससे कि हमारी सेमी नेचुरल जो इकोसिस्टम है वो अफेक्ट हो रही है। ह्यूमन बीइंग में अगर हम लोग देखें तो अमोनिया इंटरैक्ट हो रहा है, यानी कि अगर अमोनिया का जो प्रेजेंस होता है स्किन में होता है, आइज़ में होती है, ओरल कैविटी में होती है, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में होता है, इससे आप देखो कि बहुत ही ज़्यादा हमारे जो सेल मेम्ब्रेन है वो यहाँ पर डिसरप्ट हो रहे हैं। साथ ही साथ गैसेस अमोनिया की बात करें तो गैसेस अमोनिया जो है दूसरे पॉल्यूटेंट से यहाँ पर रिएक्ट होते हैं, और इससे हमारे ह्यूमन जो ब्रीदिंग है, हम लोग जो सांस लेते हैं उसमें अफेक्ट होता है, और इसके कारण कुछ डिजीज़ भी देखने को मिलता है। अमोनिया के कारण निमोनिया होता है, अस्थमा होता है, तो ये सारे आप लोग देख सकते हो कि इन्वायरमेंट में भी और ह्यूमन हेल्थ में भी बहुत ही बुरा इसका प्रभाव है। अब कुछ रिलेटिव न्यूज़ देखते हैं। अभी जो है इंडो गैंगेटिक प्लेन ग्लोबल हॉटस्पॉट ऑफ एटमोस्फेरिक अमोनिया IIT खड़गपुर के द्वारा ये स्टडी किया गया है कि जो इंडो गैंगेटिक प्लेन है ये ग्लोबल हॉट स्पॉट है, यानी कि पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो अमोनिया पाया गया है वो इंडो गैंगेटिक प्लेन में पाया गया है। क्योंकि इस रीजन में आप देखो कि एलुवियल सॉइल पाए जाते हैं, इस रीजन में आप देखते हो कि एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होता है, जहाँ जितना ज़्यादा एग्रीकल्चर होगा वहीं उतना ज़्यादा फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल किया जाएगा, और वहीं उतना ज़्यादा जो है फर्टिलाइज़र का प्रोडक्शन भी होगा। तो ये सारे काम के कारण आप देखो कि इंडो गैंगेटिक वाला जो प्लेन है वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा अमोनिया का प्रोडक्शन होता है। ये पॉजिटिव कोरिलेशन देखने को मिल रहा है अमोनिया का विद टोटल फर्टिलाइज़र कंजप्शन एंड टेम्परेचर, जिसमें कि हाई टेम्परेचर आपको देखने को मिलेगा, और एग्रीकल्चर इमिशंस जो है वो नेगेटिवली यहाँ पे कोरिलेट कर रहा है टोटल प्रेसिपिटेशन का एज वेट टिप कंपोजिशन, जिससे के कारण अमोनिया रिमूव हो रहा है। तो यहाँ पे सबसे बेसिकली आप लोग को यही पता होना चाहिए कि ग्लोबल हॉटस्पॉट अमोनिया का कहाँ है, तो इंडो गैंगेटिक वाले प्लेन में है। इसी के साथ अगर नेक्स्ट देखें तो ग्रीन अमोनिया की बात की जा रही है, जैसे आज के डेट में आप देखते हो कि ग्रीन क्रैकर ये सारी चीज़ें होगी, तो ग्रीन अमोनिया की भी बात की जा रही है। ग्रीन अमोनिया कहा जा रहा है कि ये 100% रिन्यूएबल और कार्बन फ्री होगा, इसको हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी जैसा यूज़ कर पाएंगे, जैसे कि नेचुरल गैस या फिर कोल होते हैं हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने के लिए। अमोनिया एक पंजेंट गैस है, पंजेंट कहने का मतलब है कि एक स्ट्रॉन्ग स्मेल, आप तुरंत इनहेल करोगे तो बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल देखने को मिलेगा, और इसमें एग्रीकल्चर फर्टिलाइज़र में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि ये बहुत ईजिली अवेलेबल होता है, और इसको स्टोर करने के लिए भी काफ़ी चीपर ये होती है, ट्रांसपोर्ट भी ये सस्ते दाम में हो जाता है। गवर्नमेंट का प्लान है कि यहाँ पे बिडर्स को इनवाइट किया जाएगा कि ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट को वो सेटअप करे, जिससे कि हमारी जो इम्पोर्ट डिपेंडेंसी है वो बहुत ज़्यादा कम हो सके। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है इंडोर एयर पॉल्यूशन। तो जैसे अभी हम लोग घर के अंदर बैठे हैं तो भी यहाँ पे एयर पॉल्यूशन है, इसके बारे में देखते हैं। रिसेंटली एक रिपोर्ट यहाँ पे पब्लिश किया गया है लैंसेट जर्नल के द्वारा, जो कि हाईलाइट कर रहे हैं कि इंडोर एयर पॉल्यूशन है, जिससे कि 64% जो है कम से कम डेथ आपको देखने को मिलेगा लास्ट 2 डिकेड में। तो ये आप देख सकते हो कि इसको भी हम लोग हल्के में नहीं ले सकते। तो इंडोर जो एयर पॉल्यूशन है ये हमारे जो घर के अंदर जो एयर क्वालिटी है ना उसको कहीं ना कहीं ख़राब कर रहा है, वो भी हार्मफुल केमिकल और दूसरे मटेरियल के कारण। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि हमारे घर के अंदर जो एयर क्वालिटी है वो अफेक्ट हो रहा है। जैसे कि अगर हम लोग देखें तो इंडोर पॉल्यूशन सोर्सेज की कंडीशन जो कि आज के डेट में देखने को मिला, वेंटिलेशन कंडीशन है, साथ ही साथ इंडोर एक्टिविटीज़ जो भी हम लोग कर रहे हैं। वेंटिलेशन आज के डेट में आपको देखने को मिलेगा कि बहुत कम ही घर पे होते हैं, विंडोज़ वगैरह बहुत कम ही खोले जाते हैं, क्योंकि एयर कंडीशन का इस्तेमाल हो रहा है तो इसके कारण भी थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ भी हम लोग कर रहे हैं, यानी आप लोग देखोगे कि घर के अंदर भी जो है चूल्हा पे, गैस चूल्हे पे खाना बहुत कम ही हमारे ग्रामीण क्षेत्र में बनाया जाता है, इवन अर्बन एरिया में भी आपको देखने को मिलेगा। तो लकड़ियों वगैरह का काउडंग का इस्तेमाल किया जाता है, केरोसिन पेट्रोल का इस्तेमाल किया जाता है उसे जलाने के लिए, तो भट्टियों में जो जलाया जाता है खाना पकाया जाता है, तो उससे इंडोर एयर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। सिवेरिटी अगर हम लोग देखें तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जो 1986 का है उसके तहत बताया गया है कि जो इंडोर एयर पॉल्यूशन का लेवल है वो 2 से 5 टाइम्स ज़्यादा है अगर हम लोग आउटडोर लेवल देखें। इट मीन्स आप लोग समझ सकते हो कि घर के अंदर ही पॉल्यूशन ज़्यादा है अगर हम लोग बाहर के कंपेरिजन में देखें, और ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ भी जाता है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि इससे हमारे इंडिविजुअल के हेल्थ में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है। अब देखते हैं कि इंडोर एयर पॉल्यूटेंट्स क्या क्या है। तो एयरबॉर्न पार्टिकल्स हैं, जैसे आप देखो कि डीजल एग्जॉस्ट हो रहा है, कार्बन, ब्लैक कार्बन है, डस्ट है, स्मोक है,
ये सारे जो है ये आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। हाउस होल्ड ऑर्डर और गैसेज हैं, तो कुकिंग ऑर्डर है, पेट स्मेल है, जो आप लोग अगर कोई पेट को भी रखते हो घर पे, सिगरेट स्मोक है घर पे बैठ के अगर कोई स्मोक कर रहे तो, साथ ही साथ अगर हम लोग देखें तो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड भी होते हैं, जैसे अगर पेंट वगैरह करा रहे हैं, ग्लू हो गया, वेनिशेस हो गया, कुछ प्रिजर्वेटिव्स हैं जैसे वुड है, क्लीनिंग सप्लाइज़ है, तो जैसे पेंट वगैरह भी होता है तो उसे जो है कुछ लोग बहुत ज़्यादा इनहेल करते हैं, उनकी स्मेल अच्छी लगती है, बट मतलब कि वो सारे जो स्मेल होते हैं ना आर नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ, तो उससे आप लोग दूर रहिए, उसको स्मेल इनहेल करने की ज़रूरत नहीं है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो बैक्टीरिया होते, फंजाई होते, ईस्ट होते, वायरस होते, जो कि हमारे घर के अंदर है, तो ये सब है जो कि मिलकर हमारे घर के अंदर जो एयर पॉल्यूशन है उसकी क्वालिटी को डिग्रेड कर रहे हैं। इनिशिएटिव क्या है, सबसे पहला है कि लोगों को सेव करना है, क्योंकि घर में ही अगर सेव नहीं रहेंगे तो फिर लोग कहाँ सेव रहेंगे। तो सबसे पहला है कि उन्नत चूल्हा अभियान लाया गया, जिससे कि जो बायोमास कुक स्टोव है उसको प्रमोट किया जा रहा है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है, जो कि आप जानते हो कि वन ऑफ द सक्सेसफुल योजना इसको माना जा रहा है, जिसमें कि विमेन के नाम पे घर में जो सबसे एल्डर विमेन है उनके नाम पे LPG कनेक्शन प्रोवाइड करने की बात की जा रही है, और वो भी BPL फैमिलीज़ में। साथ ही थर्ड देखें तो ये रेस है, रेस कहने का मतलब है कि रेट्रोफिट ऑफ एयर कंडीशनिंग टू इम्प्रूव इंडोर एयर क्वालिटी फॉर सेफ्टी एंड एफिशिएंसी, जो कि एक जॉइंट इनिशिएटिव लाया गया है उसैद का, और साथ ही साथ उसैद का और यहाँ पे एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड का। तो ये भी ध्यान रखना है, पहला तो है उन्नत चूल्हा अभियान और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और ये रेज है। सितंबर 2010 में देखें तो यूनाइटेड नेशन फाउंडेशन के द्वारा एक ग्लोबल अलायंस फॉर क्लीन कुक स्टोव को लॉन्च किया गया था। ये पब्लिक प्राइवेट इनिशिएटिव है, जिसमें कि सारे पार्टनर्स को जो डिफरेंट डिफरेंट स्पेशलिटी के हैं उनको एक साथ लाना है, और जो इंडोर एयर पॉल्यूशन है उसके इशू पर ये लोग बात कर रहे हैं। इम्पैक्ट क्या होता है इंडोर एयर पॉल्यूशन का, तो हमारे हेल्थ में होता है, क्योंकि आप देखो कि इससे क्या है कि रेस्पिरेटरी इलनेस होती है, एक्यूट रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस हो सकता है, लंग कैंसर हो सकते हैं, ल्यूकेमिया है, तो ये सारे कुछ हार्ट डिजीज़ भी हो सकते हैं। ऑन वीमेन एज्ड और यंगर अगर बच्चों में देखें तो मोस्ट अफेक्टेड है। साथ ही ओवरऑल प्रोडक्टिविटी देखें तो यहाँ पे क्या है कि लाइफस्टाइल चेंज हो रही है, फैटिगनेस आ रहा है, यानी कि थकावट हो रही है, डिजीनेस है, एलर्जी है, तो ये सारे भी देखने को मिलेगा। मोर्टैलिटी अगर देखें तो WHO के द्वारा बताया गया है कि इंडोर पॉल्यूटेंट के कारण 3.8 मिलियन जो है प्री मेच्योर डेथ हो रहे हैं हर एक साल। इट मीन्स कि टाइम से पहले जो लोग हैं इस तरीके का इंडोर एयर पॉल्यूशन के कारण उनकी जान जा रही है, जो कि 3.8 मिलियन है ओके हर एक साल। रिलेटेड न्यूज़ बताया जा रहा है कि हमारे यहाँ इंडिजिनस एयर यूनिक क्वालिटी मॉनिटर फोटोनिक सिस्टम है, ये हमारे यहाँ का एक सिस्टम बनाया गया है जो कि रियल टाइम रिमोट मॉनिटरिंग करेगा, यानी कि रियल टाइम कहने का मतलब है कि उसी समय अगर आप इसको चेक करोगे तो आपको बता दिया जाएगा कि कैसा एयर क्वालिटी किस तरीके का है। साथ ही ये एक इनोवेटिव एप्लीकेशन है जो कि लेज़र बैकस्कैटरिंग स्टैटिस्टिकल मैकेनिज्म है, ये सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेसिस पे, मशीन डीप लर्निंग है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, ये सबसे मिला जुला कर ये सिस्टम को बनाया गया है। इसमें क्या होगा ना कि यहाँ पे देखा जाएगा, इट मीन्स कि बहुत सारा हाई प्रिकॉशंस लिया जाएगा, आइडेंटिफाई किया जाएगा, क्लासीफाई किया जाएगा, क्वान्टिफाई किया जाएगा बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स को। तो यानी कि मेनली आप समझ सकते हो कि बहुत सारे जैसे पॉल्यूटेंट्स है कि हवा में जो है अमोनिया कितना है, सल्फर डाइऑक्साइड कितना है, कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, PM2.5 कितना है, PM10 कितना है, तो ये सारे जितने पॉल्यूटेंट्स है एयर पॉल्यूशन के सबको यहाँ पे अच्छे तरीके से मेज़र किया जाएगा, उसको एकदम देखा जाएगा, क्लासीफाई किया जाएगा, क्वान्टिफाई किया जाएगा। तो इस तरीके से ये आपका सिस्टम के अंदर देखने को मिलेगा। तो एक हाई टेक ये सिस्टम आप कह सकते हो, जिससे कि एयर पॉल्यूशन को टैकल करने के लिए लाया गया है। फाइन, तो आज के लिए इतने ही रखते हैं, काफ़ी चीज़ें हमने देख रखी है, वाटर पॉल्यूशन और कंजर्वेशन कल हम लोग देखेंगे, ये पूरी एयर पॉल्यूशन हमारी कंप्लीट हो गई। एयर पॉल्यूशन के अंदर हमने काफ़ी चीज़ें देखी, एक बार हम लोग रिकॉल कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमने यहाँ पर देखी है। सबसे पहले स्टबल बर्निंग की हम लोग केसेस देखें कि स्टबल बर्निंग हो रहा है, जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा जो है अमोनिया हो गया और नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, ये सारे ही मीट हो रहे हैं। सेकंड चीज़ें हम लोग NCAP के बारे में देखें कि यहाँ पे फंडिंग दी गई है और एक गाइडलाइन लाया गया है। इमिशन नॉर्म्स हम लोग थर्मा पावर प्लांट के बारे में देखें कि यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड की, नाइट्रस ऑक्साइड की बहुत ज़्यादा इमिशन हो रही है, उसको कंट्रोल करने के लिए 4 तरीके की टेक्नोलॉजी को हमने पढ़ा। उसके बाद हम लोग अमोनिया पॉल्यूशन देखें कि अमोनिया पॉल्यूशन किस तरीके से होते जा रहा है, गैस लीक हुआ है तो अमोनिया कितना ज़्यादा यूज़ होता है, एक्सटेंसिवली यूज़ होता है फर्टिलाइज़र में, एग्रीकल्चर में, और सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वो इंडो गैंगेटिक रीजन में, प्लेन में होता है। ग्रीन अमोनिया की भी बात किए, फिर इंडोर एयर पॉल्यूशन की बात किए, तो इतनी हम लोग बात कर लिए एयर पॉल्यूशन में, जो कि मोर देन सफिशियंट है। कल हम लोग वाटर पॉल्यूशन और इसके कंजर्वेशन के बारे में बात करेंगे। तो गाइज़, अगर आपको ये लेसन अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए
और हाँ, छोटी सी न्यूज़, अगर आप लोग को वीज़ा नाइस की टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करनी है तो उसके लिए आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप लोग चेक कर सकते हैं, वहाँ पर आप लोग को मेल आईडी देखने को मिलेगा। उस मेल आईडी में अगर आप लोग की कोई क्वेरीज़ है तो आप लोग वहाँ पर पूछ सकते हो, और साथ ही साथ अगर आप लोग को ये ज्वाइन भी करनी है तो वहीं पर भी आप लोग मेल करके ज्वाइन हो सकते हो। तो ये है हमारा मेल आईडी rishika.cs77@gmail.com। ये इन्फॉर्मेशन उन सब के लिए है जो न्यू स्टूडेंट अभी जुड़ रहे हैं, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट यहाँ से जुड़ चुके हैं इस इनिशिएटिव से, वो लोग सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन हर एक टेस्ट को, हर एक वेंसडे और आपको संडे जो है टेस्ट दिया जाता है। पहले ही आपको नोटिफाई कर दिया जाता है कि किस सब्जेक्ट के ऊपर आपका टेस्ट होने वाला है, जिससे कि आप बेटर तरीके से प्रिपरेशन कर सको। तो काफ़ी बच्चे जुड़ चुके हैं। अगर आप लोग नए आ रहे हो इस चैनल पर, वीडियो पहली बार देख रहे हो, तो अगर आप लोग को भी विजन आइज की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, जिसमें कि हम लोग ये देखते हैं कि जब हम लोग मैगजीन पढ़ रहे हैं तो उससे टॉपिक किस तरीके से क्वेश्चन फॉर्म में आ सकते हैं और उसको सॉल्व कर आपका एक हॉलिस्टिक तरीके से पूरी तैयारी हो जाती है। तो इट्स बेटर कि आप लोग जिस भी इंस्टीट्यूट की मैगजीन पढ़ते हो उसी इंस्टीट्यूट की आप लोग एटलीस्ट टेस्ट सीरीज जरूर लगा लो, ठीक है। तो मैं विजन आइज की ही नहीं बोल रही हूँ, मैं और भी इंस्टीट्यूट के बारे में बोल रही हूँ कि जिसका भी आप लोग पढ़ते हो उसकी जरूर टेस्ट सीरीज लगा लो, तो एक पूरी तरीके से आपका कंप्लीट हॉलिस्टिक तरीके से आपकी प्रिपरेशन हो सकती है। तो आप लोग यहाँ पे मेल कर सकते हो, पता कर सकते हो, और ज्वाइन करना है तो यू आर मोस्ट वेलकम। आपको प्रीवियस जितने भी टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं वो भी आप देख सकते हो, वीडियो लेक्चर फॉर्म में होता है तो आप मल्टीपल टाइम्स आप लोग देख सकते हो, ठीक है। साथ ही साथ अगर आपको और भी कोई डाउट कोई सजेशन है तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हो, एंड मेक श्योर कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। मिलते हैं हम लोग कल इसी टाइम पे, तब तक के लिए थैंक यू।